हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपको ऑनलाइन जो मैंने प्लांट्स मंगवाए थे उनकी रिपोर्टिंग एक की दिखाई थी आपको, तो उन प्लांट्स का मैं अपडेट दिखाती हूँ। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। एक्चुअली बोगनविलिया में ये जो वाइट चीज़ है ना, ये ही फ्लावर है, ये छोटा सा। और ये जो रेड रेड हमें दिखते हैं या येलो वाइट, जो ये इसके ब्रैक्ट्स होते हैं, जिस ऐसी पत्ती जिसके बेस में से फ्लावर निकल रहा है वो कलरफुल हो जाती है। ये जो फ्लावर में कलरफुल पेटल्स होते हैं ना, ये उनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, नेचर ने इसीलिए इन फूलों को रंग दिया है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने दो प्लांट्स लगाए थे। ये देखिए, ये पीकॉक फ्लावर है और इसका मैंने अभी कल परसों एक दो दिन पहले इसका रिपोर्टिंग का वीडियो डाला था, तो एक दो व्यूअर्स ने मुझे लिखा था किसी ने कि ये बिल्कुल रॉन्ग आप कर रहे हो और ये सही नहीं रहेगा। देखिए, ये रिपोर्टिंग मैंने की हुई है, गर्मियां हैं इसलिए ये मिट्टी अभी जो है वो ड्राई दिख रही है आपको। ये देखिए, नीचे से ये मॉइस्ट है मिट्टी, देखिए। और अब शाम को मैं देती हूँ हमेशा पानी गर्मियों में, तो अब मैं इस टाइम इनको पानी दूंगी। शाम को पानी इसलिए देती हूँ कि सुबह मुझसे बहुत जल्दी नहीं दिया जाता है, या तो सुबह देना हो तो बहुत अर्ली देना चाहिए, और शाम को मैं इसलिए दे देती हूँ कि उसके बाद सुबह आप अगर लेट मॉर्निंग देते हैं तो वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है दोपहर में, और वो और ज़्यादा आपके पौधे को नुकसान देता है। अभी रात में देने से क्या है, शाम को देने से क्या होता है कि वो पौधा, उसकी जड़ें धीरे धीरे पानी अब्जॉर्ब करके रात भर उनमें ठंडक रहती है और फिर नेक्स्ट डे वो धूप को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन मैंने ये रिपोर्टिंग की थी उस दिन मैं पानी दे रही थी, तो मुझे बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि ये पीछे प्लग है और इसमें पानी जाएगा, तो फिर इसमें हमने ये टेप लगा दी है, वो जो इलेक्ट्रिक वाली टेप आती है बिजली वाली, वो लगा दी है। और ये देखिए, इसमें ये नई पत्ती भी निकलनी शुरू हो गई है, ये वाली देखिए। तो ये जो पौधा है इसने ये इस्टेब्लिश हो गया है, और अब ये इसमें और पत्तियां धीरे धीरे और आएंगी। और दो या तीन दिन हो गए हैं इसको रिपोर्ट किए हुए, और ये पौधा अब मैं कह सकती हूँ कि ये इस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि ये पत्ती ब्राउन हो जाती है अगर ये नहीं लगा हुआ होता। तो दूसरा पौधा दिखाते हैं, और ये देखिए, ये दूसरा वाला है, इसको फाउंटेन ट्री, इसमें बड़े प्यारे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये भी देखिए लग चुका है, इसकी पुरानी पत्तियाँ झड़ गई हैं, और अब देखिए कितनी इसमें, यहाँ नीचे और देखें तो इसमें ये देखिए नई, पूरा नीचे तक देखिए, इसमें खूब सारी नई, ये देखिए ये नई लीव्स आ रही हैं। तो मुझे लगा कि इनके ये प्लांट्स मेरे जो हैं वो नर्सरी लाइफ के अच्छे चले हैं, जिस तरह से सबने मेरे को कहा था कि नहीं चलेंगे। तो हो सकता है कोई डेलिकेट प्लांट्स ये लोग नहीं भेजते हों अच्छी तरह। हाँ, प्लांट्स बहुत अच्छी हालत में भी नहीं थे, और पैकिंग भी कोई इतनी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन देखिए ये लग गए हैं मेरे प्लांट्स। ये थोड़े हार्डी वाले प्लांट्स ही थे जो मैंने मंगवाए थे, तो बहुत लोगों ने कहा कि इसकी आप अपडेट ज़रूर दिखाइएगा जो प्लांट्स आप लगा रहे हैं। और एक कल जो मैंने लेमन का प्लांट लगाया है वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कल मैंने ये जो लेमन का प्लांट रिपोर्ट किया था, ये इसमें मैंने ये वाला लगा दिया है। अभी इसका स्टेक मंगवाऊंगी, और वैसे ये भी देखिए अच्छा स्टेक, ऐसे आपके कोई पीवीसी के पाइप वगैरह बच जाते हैं ना, अगर आपके यहाँ काम हो सैनिटरी वगैरह का, तो इस तरह इनको भी एज अ स्टेक यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका स्टेक अभी लगा दिया, और बड़ा मजबूत रहता है इस टाइप का स्टेक। और अभी देखिए, कल लगाया था ये पौधा और ये फुल धूप में आज पड़ा रहा है, और अभी इसकी पौधे की हालत बिल्कुल ठीक है, और पत्तियाँ वगैरह अभी तो देखिए इसकी नई गिरी हैं, और ऐसी देखिए इधर ये वाली, ये झुकी हुई भी नहीं है इतनी कोई पत्तियाँ। और कई व्यूअर्स कह रहे थे कि इसके फ्रूट सब गिर जाएंगे रिपोर्टिंग के बाद, लेकिन अभी मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन आज इसकी ये कंडीशन है, ये मैं दिखाऊँ। और लेमन में ये ना, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ये इस तरह से फंगस बहुत होता है इसमें, तो ये जो है ये देखिए ये फंगस है,
यार नीचे पता नहीं ये कोई इंसेक्ट है, देखना पड़ेगा अभी मेरे को, बिना स्पेक्स के दिखता नहीं है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा मैं फ़ोन वगैरह देखती रहती हूँ ना, तो मेरे को चश्मा यूज़ करना पड़ता है आजकल। तो ये इसके लिए मैंने वो जो ट्राइकोडर्मा डाला था। एक और मैं अभी इन दिनों एक बनाऊंगी वीडियो, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फंजिसाइड पे तो मैंने आपको ट्राइकोडर्मा वर्डी बताई है, एक बायो इंसेक्टिसाइड पे भी जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो उससे आप केमिकल्स यूज़ नहीं करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो तीन प्लांट्स, अभी बाकी के प्लांट्स मैंने टब में रखे हुए हैं, थोड़ा सा पानी नीचे डाल के, जैसे आपको मैंने पहले एक बार बताया था। तो उनको मैं आज या कल रिपोर्ट करूँगी, कल छुट्टी है, सैटरडे है। तो फ्रेंड्स बस आज मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ प्लांट्स, इनकी अपडेट। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी और आपको लगा कि ऑनलाइन प्लांट्स ला के लगाए जा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।